हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल पीके एजुकेशन। पे चलो वर्तमान सेट सी रो आंसर गुड़िक मिले नवा के ठीक अच्छे केते भूल अच्छे आम जापर हो पाने विलंब न कर चल आम मिले। देख प्रथम क्वेश्चन चलो देखा कौन दे सेट सी रो। देख प्रथम क्वेश्चन लिखला स्वाधीनता बेलू ओडिशा रे निर्मुक्त क्यों विश्वविद्यालय अवस्थित थिला को विश्वविद्यालय पे ना उत्कल विश्वविद्यालय आंसर हम बी। दिन क्वेश्चन देख ओडिशा रे केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र केउठार अवस्थित पिला माने सब जानिचोने कि कोठी ना कटक रे आंसर हम सी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्य क्वेश्चन बहुत थर आसी। तीन क्वेश्चन देख पाने देखिए जातीय आलुमिनियम कंपनी बा नाल्को केउठार अवस्थित पिला माने ना अनुगुल अनुगुले नाल्को ने कि भारत रेलपथ केउ मसार आरंभ होता पिला माने सब जानिचोने कि 1853 दिस ना। हाँ तने ए ओके चार नंबर आंसर हम ए। मद्रास तेलुगु भाषाभाषी अंचल को नहीं क्यों राज्य गठन कराइला पाने क्यों राज्य आंध्र प्रदेश आंसर बसी। ताप मिलनीय छ नंबर क्वेश्चन गणतंत्र हूँ लोक मान लोक द्वारा लोक फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ओके गणतंत्र लोक ओके लोक मैं या लोक लोक द्वारा सब ओके किए कहते अब्राहम लिंकन किए कहते कथ सब अब्राहम लिंकन ओके बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ओके। तब देख सात नंबर क्वेश्चन भारत में मतदान करार सर्वनिम्न वयस में कते पिला माने 18 वर्ष आंसर हम डी। तरे सॉरी सात नंबर डी। आठ नंबर ड्राइविंग लाइसेंस रो प्राप्ति निम्ते सर्वनिम्न वयस में कते पिला माने आंसर हम सी 18 वर्ष सी 18 वर्ष। नौ नंबर क्वेश्चन देख 1954 मसीह भारत और चीन मध्य क्यों चुक्ति स्वाक्षर होता पिला माने पंचशील चुक्ति आंसर हम बी। क्यों मसीह सोवियत रुषिया विलय घटी क्यों मसीह पे 1991 भांगी जाता सोवियत रुष बा यूएसएसआर भांगी जाता क्यों मसीह 1991 जालियांवालाबाग हत्याकांड ओके जालियांवालाबाग केउठार अवस्थित कौन पे मैंने अमृतसर ओके पंजाब अमृतसर ठार। बार नंबर क्वेश्चन देख दे लिखला किए ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटर प्रथम सभापति थे पे किए थे प्रादेशिक किए गोपबंधु दास आंसर हम बी। तब देख तेर नंबर क्वेश्चन जातीय कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में साइमन कमिशन को वर्जन करने कहीं स्थिर करा पाने कारण से कहीं जन भारतीय ना सात जन सदस्य मध्य कहीं भी भारतीय ना। चौदह नंबर क्वेश्चन देख क्यों मसीह इंग्लिश सरकार अगस्त दान घोषणा कले क्यों मसीह 1940 आंसर हम बी। सुभाष बोस केउठार आजादी हिंद सरकार गठन करते कौट पाने आंसर हम सी सिंगापुर। षोल नंबर क्वेश्चन देख किए उत्कल दीपिकार संपादक थे पे गौरीशंकर राय आंसर हम ए। सत नंबर क्वेश्चन देख दी उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन केउठार अनुषित होता उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन कौटी थी पे कटक आंसर हम बी। फिलिप डफ कमिटी केवे गठन कराई 1924 आंसर हम कौन सी। स्वतंत्र ओडिशार प्रथम राज्यपाल किए थे पे सार जॉन ऑस्टिन हवाक आंसर हम ए। तर देख कोड़े नंबर क्वेश्चन क्या भारत बिस्मार्क कहुए भारत बिस्मार्क किए बा लोहमानव भी कहुए क्या ना सर्दार वल्लभ भाई पटेल आंसर बसी। तब देख एक नंबर क श्रेणीभुक्त गड़ जत गुड़िकर संख्या केत पे आंसर हम ए एगार। 1947 मसीह गोआर क्यों शासन करुले एक पे गोआर पर्तुगीज मैंने आंसर हम बी। केवे योजना आयोग गठन होता पे कह क्यों मसीह योजना आयोग क्यों मसीहा योजना आयोग क्यों मसीह योजना आयोग देख पे ना 1950 आंसर हम कौन आंसर हम डी। परमाणु शक्ति आयोग प्रथम अध्यक्ष किए थे पे कह परमाणु शक्ति आयोग किए होमी जहांगीर भाबा किए थे होमी जहांगीर भाबा आंसर हम बी। तब देख 25 नंबर क्वेश्चन अंगनवाड़ी केन्द्र कहले कौन बुझ कौन क्यों मान शिक्षा केन्द्रटा शिशु मान शिक्षा केन्द्र आंसर हम सी। 26 नंबर क्वेश्चन देख दी समुद्र क्यों अंश में खनिज तैल गचित थवर देखा जाए कौ अंचल पे गभीर सगर तले झारखंड में करा स्थानांतरित कृषि को कौन कह जाए कुरवा आंसर हम डी। तर दे 28 नंबर क्वेश्चन ऑयल इंडिया निर्मित केरण शिल्प अटे को धरण पे जूथ शिल्प आंसर हम सी। कागज शिल्प दृष्टि केउटा अन्य तीनों ठार भिन्न कौटा कह पाने कौटा ना केरल है पुलामूर आंसर हम सी। तब देख 30 नंबर क्यों कृत्रिम तंतु खनिज तैल रु प्रस्तुत करा जाए कौटा रेयन आंसर हम सी। भारत में
ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ନା ଜଳ ଛାୟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। 31 ହବ ଏ। 25 ଜଣ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ହେଲା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କେଉଁଟା? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଆନ୍ସର୍ ହବ ବି। କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା କହିଲେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ଲାଟେରାଇଟ୍। ଆନ୍ସର୍ ହବ ଡି। ତାପରେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଇଛି ବୋରିଅଲ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ବୋରିଅଲ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟେ? ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଟା? ରନ୍ଥାମ୍ବର। ଆନ୍ସର୍ ହବ ସି। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। କେଉଁ ଜଳପଥ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ସମୂହ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୁଏ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜଳପଥ? ନା ଉତ୍ତମାସ ଅନ୍ତରୀପ। ଉତ୍ତମାସ ଅନ୍ତରୀପ। ତାପରେ ଦେଖ କୋଲକାତାରେ କେଉଁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଦୁଇଟା? ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ବ ରେଳପଥ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ। ଆନ୍ସର୍ ହବ ଏ। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ନଦୀ ବନ୍ୟା। ଆନ୍ସର୍ ହବ ଡି। କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିମୁକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି? କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି? ଉପକୂଳ କେ? କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର୍ ହବ ଏ। କେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେଉଁଟା? ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଜେନେଭା। ଆନ୍ସର୍ ହବ ବି। କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ଆଳୁ। ଆନ୍ସର୍ ହବ ବି। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଆନ୍ସର୍ ହବ ସି। 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଭାରତରେ ନିମୁକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍? କେଉଁଠି? ଗୁଜୁରାଟ। ଆନ୍ସର୍ ହବ ଡି। ଶିଳ୍ପୟନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଘାତ ଜନିତ ବେକାରୀ? ଆନ୍ସର୍ ହବ ସି। ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ? କେଉଁଟା? ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟା? ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ଆନ୍ସର୍ ହବ ଏ। ନିମୁକ୍ତ କେଉଁଟା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା? କେଉଁଟା? ଦାମୋଦର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପତ୍ୟକା, ଦାମୋଦର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା। ତାପରେ ଦେଖ 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କୋୟନା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଆନ୍ସର୍ ହବ ସି। 48 ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମୁକ୍ତ କେଉଁ ସଂଯୋଗଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଝରିଆ କୋଇଲା। ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ ହବ ଏ। ତାହେଲେ ଲେଖିଲା 49 ନମ୍ବର ଦରମୁଖ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ନା ଲୁହାପଥର। ଆନ୍ସର୍ ହବ ସି। 50 ନାରୋରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେମିତି କୁଦାମକୁଲମ କ'ଣ ହବ? କୁଦାମକୁଲମ ହେଲା କ'ଣ ହବ କହିଲ ପିଲାମାନେ? କୁଦାମକୁଲମ କ'ଣ? ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଆନ୍ସର୍ ହବ ବି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯା ହଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ତାକୁ ମିଳିନିଅ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ। ଓକେ, ହଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।